नमस्कार, आप क्विंट पर हमारे साथ बात करने के लिए शामिल कर रहे हैं आज हम महेश व्यास को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के। हमने पहले भी जब लॉकडाउन के बीच में थे तो इनसे बातें की थी और बहुत स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स दिए थे उन्होंने कि इकोनॉमी को कैसे देखा जाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की क्या हालत है इस वक्त। अब उनका CMII का बिल्कुल ताज़ा नया डेटा आया है जो बता रहा है कि जो बेरोजगारी की दर बढ़ करके 24% हो गई थी जून के पहले हफ्ते में, उसमें भारी चेंज आया और अब वो गिर करके 17% हो गई, मतलब कि लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। तो बगैर सादा किसी भूमिका के सीधा सवाल महेश जी आपसे मेरा यही है कि जॉब का ये डेटा अब क्या बता रहा है जिस तरीके से हम इकोनॉमी को वापस खोल रहे हैं। अब हमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि यदि आप इकोनॉमी को पूरी तरह से लॉकडाउन कर देंगे, बंद कर देंगे, यदि कारोबार सबका बंद कर देंगे तो नौकरियां नहीं होंगी। और चूंकि अधिकतर हमारे यहाँ पर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं तो उनकी नौकरी तुरंत निकल जाती है। यदि आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कहते हैं आप घर से काम कर लीजिए या आप कुछ दिन छुट्टी ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। उनकी नौकरियाँ जो होती है या जो उनका कारोबार होता है तुरंत बंद हो जाता है। तो हमने ये पाया कि जहाँ बेरोजगारी की दर लॉकडाउन के पहले तकरीबन 7% तक थी, फिर उठ करके वो 8-8.5 तक हो गई मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, अप्रैल में वो चढ़ करके 23.5% हो गया, मई में भी 24% के आसपास था, तो अनएम्प्लॉयमेंट तुरंत बढ़ गया था ऊपर 24% के आसपास। अब जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी खुल रही है, लोग वापस एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आ रहे हैं, तो पहले हमने देखा कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो होता है, जिस जो दिखाता है कि कितने लोग नौकरी करने के लिए तैयार हैं, वो पहले हुआ करता था करीब 43% के आसपास लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के दरमियान वो घट करके 35.5% तक उतर गया, तो काफी गिर गया वो। लेकिन अब हम देख रहे हैं जून के पहले महीने में कि वो अब चढ़ करके 39% पर आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का होता है तो इसमें 1% भी ऊपर नीचे होने से काफी फर्क पड़ जाता है। तो 43 से घट करके 35% बहुत भयानक फॉल था, अब वो बढ़ करके 39% आ गया, तो एक बहुत अच्छी बढ़त है कि लोग और नौकरी ढूंढने आ रहे हैं। और इनके नौकरी ढूंढने के आने के, इतने ज्यादा लोगों आने के बावजूद वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% से घट करके 17% पर आ गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिख रहा है हमें कि जैसे इकोनॉमी खुल रही है, लोग ज्यादा काम पर आ रहे हैं, उनको नौकरियां भी मिल रही हैं। तो लॉकडाउन में चूंकि बहुत घनघोर बेरोजगारी हो गई, उसमें कमी आई है, तब भी जो नॉर्मल बेरोजगारी की दर थी भारत में उससे अभी भी हम बहुत ज्यादा हैं। आने वाले हफ्तों में इनमें और कितने लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये समझना चाहता हूँ कि जो पूरी इकोनॉमी बंद हो गई थी वो आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में कितना परसेंट खुलेगी, ताकि कितने लोग जज्ब होंगे उसमें नौकरियां पाने में। इसमें काफी चीजें शामिल हैं। तो अभी खरीफ सोइंग शुरू हुआ है तो रूरल में काफी रोजगार है, काफी लोग जुटे हुए हैं और सरकार ने भी मनरेगा पर काफी खर्च करने का इरादा रखा है। तो मेरे ख्याल से जैसे मनरेगा में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और खरीफ सोइंग का काम और तेजी से बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट रूरल सेक्टर में तो काफी अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। जैसे शहरों में दुकानें खुल रही हैं, कुछ ऑफिसेज धीरे धीरे खुल रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट दिख रहा है अभी, तो लगता है कि वहां पर भी कुछ हद तक चीजें ठीक होगी। लेकिन मेरा अनुमान है कि अभी तक हम वापस 43% लेबर पार्टिसिपेशन रेट और 7% अनएम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने में हमें अभी काफी सफर तय करना बाकी है, काफी समय लगेगा अभी। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो सफर अब वहां जा शुरू हो गया है। ट्रेंड क्या रहने वाला है? अभी आपकी बात से लग रहा है कि जो जॉब्स होंगी क्रिएट वो रूरल सेक्टर में ज्यादा होंगी, अर्बन सेक्टर्स में कम होंगी, इज दैट राइट? हाँ, शुरू में रूरल सेक्टर में ज्यादा होंगी, अर्बन सेक्टर में उम्मीद है कि बाद में आएंगी। लेकिन रूरल सेक्टर में चूंकि अभी मनरेगा का ज्यादा दौर चल रहा है और खरीफ सोइंग चल रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से वहां पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। जी, एक बात हम लगातार बहसों में सुनते रहते हैं सर, वो ये कि सरकार डिमांड जनरेट करने के लिए लोगों के हाथ में पैसा क्यों नहीं दे रही है,
उन्होंने जो काम किए हैं वो ज़्यादातर सप्लाई साइड के हैं, लिक्विडिटी के हैं, उनको लगता है कि शायद उससे डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि सरकार कहीं ये अपने हिसाब से ठीक ही सोच रही है कि नरेगा के कारण, खरीफ के कारण इतना एक बेसिक थ्रेशोल्ड बन जाएगा हमारा कि हमको अलग से कैश अभी देने की जरूरत नहीं है लोगों को? मेरे ख्याल से मनरेगा में इतना खर्चा नहीं हो रहा है कि उसी को लेकर के डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, इतना तो उसके अंदर पोटेंसी नहीं है कि उसी को लेकर के डिमांड पूरी तरह से बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से सरकार को अब भी काफी करना चाहिए, बहुत करना बाकी है कि लोगों के जेबों में पैसा डाला जाए। उसके बगैर इकोनॉमी जिस प्रकार से दोबारा उभर के आनी चाहिए वो शायद नहीं आएगी या बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। और ऐसे में सरकार जब ये कह दे कि हमने सभी मंत्रालयों को बोल दिया, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि सारे खर्चे बंद, सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं नरेगा जैसी उनके अलावा, या ये जो पैकेज आया उसके अलावा, तो खर्च बंद करने का मैसेज क्या बताता है हमको? उनकी हालत बताता है कि उनके पास पैसों की अभी तंगी है, टैक्स का कलेक्शन नहीं आ रहा होगा, इकोनॉमी जैसे ठप हुई थी अप्रैल मई में तो वाजिब है कि जीएसटी का पैसा नहीं आएगा और फर्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे तो डायरेक्ट टैक्सेस का पैसा नहीं आएगा, सिर्फ वेजेस का, पर्सनल इनकम का टैक्सेस आएगा, तो टैक्सेस की तंगी होगी, डिसइन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा है, तो खर्चे को पर लगाम लगाना उन्होंने जरूरी समझा। बिल्कुल, एक बात और सरकार ने बड़े जोर शोर से कही कि हमने इतनी लिक्विडिटी दे दी है, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी के साथ 3 लाख करोड़ का प्रोविजन कर दिया है। सुनने में ये आता है, और यही मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि लोन न लोग देने को तैयार हैं न लोग लेने को तैयार हैं, इंक्लूडिंग एमएसएमई वाला स्पेशल पैकेज, तो फिर इस लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? बस अवेलेबिलिटी है, उसका डिमांड कुछ नहीं है, ना कोई लोन लेने को तैयार है ना कोई देने को तैयार है। गारंटी लोन हो फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं है क्योंकि सामने कोई कारोबार ही नहीं है, सामने कोई डिमांड ही जब नहीं हो तब आप लोन क्यों लेंगे? लोन लेकर के अगर वो गारंटीड लोन, गवर्नमेंट गारंटीड लोन हो तो वो गारंटी तो सिर्फ बैंक के लिए हुआ, लेकिन मेरा तो दिवाला निकल जाएगा, मैं तो ऋण के नीचे डूब जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये लोन देने का या लिक्विडिटी बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो पूरा, मतलब वो पूरी चीज को सॉल्व नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, वो हो सकता है किसी सॉल्यूशन का भाग हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। लिक्विडिटी की आवश्यकता है लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है डिमांड क्रिएट करना, और लिक्विडिटी से कोई डिमांड नहीं खड़ी होती। तो फिर इतने बड़े सरकार की तरफ से इतने सारे अनाउंसमेंट के बाद अब जो जितने इकोनॉमी के दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनसे हम बहुत ज्यादा कोई चीख चिल्लाहट भी नहीं सुन रहे हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, बहुत सारी डिमांड्स वापस सामने आ रही हों, वो भी नहीं हो रहा है। एक तरीके से डाइजेस्ट करा दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है लोगों से कि दिमाग लगा के फायदा नहीं है, या एक सेकेंड राउंड होगा और सरकार कुछ करेगी? ये तो अब कहना मुश्किल है लोगों का इसके प्रति क्या रुख है, चुप क्यों बैठे हैं लोग, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। सरकार ने क्या सोच करके ये लिक्विडिटी का प्रस्ताव रखा था और अब देख करके कि इसका कोई डिमांड नहीं है, इसका कोई लेने वाला नहीं है, इसको देख करके वो क्या करेंगे वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। इंडस्ट्री को ये पता है कि अभी ना तो कोई लोन लेना है ना कोई विशेष प्रोडक्शन शुरू करना है, देखते हैं धीरे धीरे कैसे इकोनॉमी उभरती है, यदि वो उभरी तो कुछ करेंगे वरना बस बैठे हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर डबली श्योर होने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये समझ हमारी सही है ना कि क्रेडिट बैक एमएसएमई के 3 लाख करोड़ का भी कोई ज्यादा टेकर नहीं है, इन अ वे पुअर रिस्पॉन्स है, ये फैक्ट है ना? फैक्ट तो नहीं कह सकते जब तक डेटा नहीं आता, लेकिन ऐसा अनुमान है, ऐसा लगता है कि डिमांड दिख तो नहीं रहा। बिल्कुल, और ऐसे में अब मान लीजिए जून में, अब कुछ लोग आजकल एक नया आर्गुमेंट देते हैं कि पुराने तरीकों के डेटा मत देखिए, डेटा का एक नया सेट लेके आइए,
मतलब कि जो रियल डेटा है, फॉर एग्जांपल फ्यूल का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, और इस तरह की चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि अब एक्टिविटी पिकअप हो रही है. इज दैट राइट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? बिल्कुल. इसके अंदर हम कहते हैं कि फास्ट फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हैं उनको देखा जाए. पेट्रोलियम कंजम्पशन है तो उससे पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट कितना बढ़ रहा है. तो ये जो फास्ट फ्रीक्वेंसी डेटा है उसको देखना बेस्ट है इस टाइम. ओके, सो आगे के लिए आपकी एक एक्सपेक्टेशन, डिमांड नहीं कह रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेशन या होप क्या है, क्योंकि 8 जून के बाद अभी तो बिल्कुल शुरुआत ही हुई है. जून का महीना हो सकता है बहुत सारा पेंट अप डिमांड दिखलाई पड़े, कुछ अच्छे नंबर सामने आ जाएं, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि अभी पैसे नहीं है लोगों के पास खर्च करने को, कोई कमाई नहीं है, ऐसे में जुलाई और अगस्त कैसा दिखता है? देखिए, ऐसा लगता है कि हमें सरकार से तो कुछ ज़्यादा उम्मीद है नहीं, तो उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया. अब शायद कुछ और कर भी ले, लेकिन अब इतनी बार उन्होंने इतने पैकेजेस दिए हैं जिनका कोई विशेष असर नहीं दिखता हमें, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार से कुछ ज़्यादा उम्मीद ना रखें. तो जैसे खरीफ सोइंग चल रही है उससे कुछ इकोनॉमी बढ़ेगी, धीरे धीरे कुछ व्यापार आएंगे, तो हमारी इकोनॉमी एक स्टेप डाउन हो गई, वो घट गई है. वो घटने के बाद वो धीरे धीरे वहां से बढ़ेगी एक सेक्युलर रेट से, हो सकता है 4% के आसपास के ग्रोथ से वो घटने के बाद. मतलब अभी तो इस साल में तो जबरदस्त फॉल है, बिकॉज ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन बहुत गंदे दिखेंगे, नेगेटिव होगा बहुत सारा. लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चूंकि कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई गवर्नमेंट का विशेष प्रोग्राम नहीं है इकोनॉमी को वापस ठीक करने का, तो मेरे ख्याल से हम एक 4% ग्रोथ या उसके दरमियान के ग्रोथ में चलेंगे. ये हमें आगे दिखता है जुलाई अगस्त, यदि आप ये स्टेप डाउन को ना देखें तो. बिल्कुल महेश जी, आपने ब्रॉड पिक्चर के बारे में एक बिल्कुल बेबाक राय दे दी कि बहुत ज्यादा सरकार से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ऐसे में जो जॉब के डेटा है जो आप बहुत रेगुलरली ट्रैक करते हैं उससे एक बहुत बुरी खबरों के बीच में कुछ अच्छी खबर भी आपने दी है और उसको समझाया है, और अब खरीफ और नरेगा के इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार हम लोग करते हैं. आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया, और फिर जल्दी हम आपको दोबारा कष्ट देंगे. धन्यवाद.